गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। इन प्रीवियस क्लास वी विल रीड अबाउट नंबर। हमने प्रीवियस क्लास में नंबर पढ़ा था, नंबर की डेफिनेशन पढ़ी थी और नंबर के टाइप पढ़े थे। नंबर के कितने टाइप बताए थे मैंने? दो टाइप बताए थे। फर्स्ट वन इज सिंगुलर एंड सेकेंड वन इज प्लूरल। सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। तो मैंने नंबर की डेफिनेशन में बताया था कि जिससे हमको किसी के एक या अधिक होने का पता चले, वन एंड मोर देन वन होने का पता चले, उसको बोलते हैं हम नंबर। ओके, एंड आफ्टर वर्ड आई विल टेल यू देयर काइंड। इसके बाद मैंने दो काइंड बताया था, एक तो सिंगुलर नंबर और एक बताया था प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर जिससे नाउन के एक होने का पता चले, वह कहलाएगा सिंगुलर। और प्लूरल में क्या बताया था? जिससे नाउन के एक से अधिक होने का पता चले, एक से ज्यादा होने का पता चले, वो कहना था प्लूरल नंबर। आज हम करेंगे हाउ टू मेक प्लूरल्स। कैसे प्लूरल्स बनाया जाए, सिंगुलर से प्लूरल कैसे कन्वर्ट किया जाए, उसके रूल्स पढ़ेंगे। हाउ टू मेक प्लूरल, कैसे प्लूरल्स को बनाया जाए। फर्स्ट रूल है, बाय एडिंग by adding s to the singular forms, singular forms by adding s to the singular forms. Example, एग्जाम्पल्स मैं समझा देता हूँ आपको। मैं एक तो एग्जाम्पल समझाऊंगा, बाकी वाले एग्जाम्पल आपको मैं जो फोटो भेजूँ मैं ना पिक इस वीडियो के साथ, उसके साथ आप देख देना। मैं एक दो एग्जाम्पल समझाऊंगा, जैसे बैग, बैग्स, आईज एक्सेट्रा। फर्स्ट है बाय एडिंग एस। क्या ऐड करना है? एस को ऐड करना है। एस लेटर को ऐड करना है। कहां पे? टू द सिंगुलर फॉर्म्स। जो आपको सिंगुलर दिए हो ना, सिंगुलर मींस जो एक होने का पता चले, जिन नाउन से आपको एक होने का पता चले, उनके लास्ट में आपको एस ऐड करना है, जिससे वो सिंगुलर किस में बदल जाएगा, प्लूरल में बदल जाएगा। फर्स्ट एग्जांपल्स मैंने कुछ दिए हैं। बैग एक सिंगुलर है, उसके पीछे एस लगाना है, तो बैग्स, एस लगाने से वो क्या बन गया? प्लूरल फॉर्म बन गया। आई एक सिंगुलर है, उसके पीछे एस लगाने से वो क्या बन गया जाएगा? प्लूरल फॉर्म में बन जाएगा। ये इसका फर्स्ट रूल था। सेकंड रूल आता है by adding es to the singular forms, of the बाकी वाला ऊपर लिखता हूं मैं, of the nouns ending in ending in
CH S SH double S CH S SH double S X examples ले लेते हैं इसके। एग्जाम्पल्स है मैच MATCH मैच मैचेस ब्रश ब्रश ब्रशेस ब्रश ब्रशेस ड्रेस ड्रेसेस ग्लास ग्लासेस एंड फॉक्स फॉक्सेस। मैंने दो एग्जांपल बीच में नहीं लिखा है, आपको जो मैं पिक पेज में ना उससे आपको दो एग्जांपल भी लिखना है, यानी जो भी बुक में आपके एग्जांपल दिए ना वो सारे आपको लिखने हैं। फॉक्स फॉक्सेस। तो सेकंड आता है बाय एडिंग ईएस। फर्स्ट वाले में हमने क्या ऐड किया था, एस ऐड किया था जो सिंगुलर फॉर्म था उसमें। अब सेकंड में बाय एडिंग बाय बाय यानी के द्वारा एडिंग यानी कि ऐड करके उसके लास्ट में लगा के ईएस का क्या लगाना है, ईएस टू द सिंगुलर फॉर्म्स ऑफ द, किसमें ईएस लगाना है, टू द सिंगुलर फॉर्म जो सिंगुलर फॉर्म है ऑफ द नाउन, नाउन की वो सिंगुलर फॉर्म एंडिंग जो कहां से एंड हो रही है, जिसके लास्ट में सीएच आए एस आए एस एच आए डबल एस आए या एक्स आए वो हो एंड हो तो उसके लास्ट जहां सिंगुलर फॉर्म के एंड में सीएच हो एस हो सीएच हो एस हो एस एच हो डबल एस हो एक्स हो तो जहां पर ये वर्ड आपको दिखे जहां पर ये लेटर आपको दिखे वहां पर क्या लगाना है आपको ईएस ऐड करना है। क्या ऐड करना है, ईएस ऐड करना है। जैसे कि मैच सीएच आया तो मैचेस ईएस लगाना है। जहां पर ये वर्ड दिख रहे हैं आपको वहां पर उन सिंगुलर फॉर्म को प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमको लास्ट में क्या लगाना पड़ेगा, ईएस। सेकंड है ब्रशेस, क्या रहा है एसएच आ रहा है एसएच आ रहा है तो क्या लगाएंगे ईएस तो ब्रशेस ब्रश ब्रशेस ब्रश ब्रशेस। ओके फॉक्स एक्स आ रहा है लास्ट में तो फॉक्सेस क्या होगा फॉक्सेस। ओके अंडरस्टूड। और एक ये वाला एग्जांपल और ऐसे बहुत एग्जांपल होते हैं जैसे ग्लास 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 ग्लासेस ग्लास ग्लासेस ग्लास का ग्लासेस क्योंकि लास्ट में क्या आया डबल एस आया तो उसके लिए भी क्या लगाएंगे ईएस लगाएंगे। अब थर्ड आता है थर्ड रूल आता है कन्वर्ट करना प्लूरल्स में। थर्ड इज इफ द नाउन इफ द नाउन इफ द नाउन इफ द नाउन एंड्स इन y एंड्स इन y इन y एंड द y हैज अ कंसोनेंट बिफोर इट एंड द y the y and y has a
कॉन्सोनेंट फॉर ए फॉर ए इट्स प्लूरल इज फॉर्म बाय चेंजिंग वाई टू ई एस इट्स प्लूरल इट्स प्लूरल PLURL is formed is formed by changing y into और वाई के पहले क्या कॉन्सोनेंट वाई हैज ए कॉन्सोनेंट
बिफोर इट, यानी कि वाई से पहले क्या और कौन सा एंड हो, वाई से पहले क्या और कौन सा एंड हो, देन बिफोर इट इट्स प्लूरल इज फॉर्मड, जब इसका प्लूरल फॉर्मड होगा बाय चेंजिंग, क्या चेंज करके, y into ies, y को हटाकर आपको उसमें क्या करना है, ies लिखना है। ये ध्यान रखना वापस रूल के, अगर कोई नाउन जो y से एंड हो रहा है, कहां से एंड हो रहा है, y, जैसे नाउन में y से एंड हो रहा है, फेरी में भी y से एंड हो रहा है, एंड द y हैज ए कंसोनेंट, और y से पहले, एंड y हैज ए कंसोनेंट बिफोर इट, और y से पहले कंसोनेंट, y से पहले m जो कि कंसोनेंट होता है, क्यों, क्योंकि a e i o u को छोड़कर गया है, और फेरी में y से पहले आ रहा है, ये भी कॉन्सोनेंट हो, तो अगर y से पहले कॉन्सोनेंट हो, इट्स प्लूरल, जो इसका प्लूरल बनाएंगे, इज फॉर्म्ड, फॉर्म्ड यानी बनाएंगे, बाय चेंजिंग, चेंज करके, इस कैसे चेंज करके, कैसे चेंज करेंगे, y into ies, y को हटाकर ies लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ies, जैसे आर्मी, y आया लास्ट में, इससे पहले कॉन्सोनेंट आया, तो y को हटाकर ies लगाना है, आर्मी, वेरी है, y आया लास्ट में, उससे पहले कॉन्सोनेंट आया, तो y को हटाकर ies लगाना है, fairies, fairies, अंडरस्टूड, समझ में आ गया, नेक्स्ट आता है, फोर्थ, फोर्थ पॉइंट आता है, by adding s to nouns ending in y if y has a vowel before it, example by adding s to nouns ending in y ending in y if y has a vowel before it, if y has a if y has a has a vowel 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 कौन कौन से a e i o u before it example इसके लिए लेते हैं example जैसे डे का इज मंकी का मंकीज मंकी का क्या होगा मंकीज फोर्थ आता है बाय एडिंग एस क्या ऐड करना है एस को ऐड करना है टू नाउंस इसमें ऐड करना है टू नाउंस में एस को ऐड करना है कब एंडिंग इन वाई जो वाई से एंड हो रहा है वाई से एंड हो रहा है वाई से एंड हो रहा है ये भी वाई से एंड हो रहा है ये भी वाई से एंड हो रहा है तो मंकी भी वाई से एंड हो रहा है एंडिंग इन वाई वाई से एंड हो रहा है इफ y has अगर y has y के आगे vowel हो y के आगे क्या हो vowel vowel कौन कौन से मैंने बता दिए a e i o u before it कहने का मतलब है by adding s लगाना है इसमें क्या लगाना है s लगाना है इसके पीछे s लगाना है क्या लगाना है s लगाना है कब लगाना है to the nouns ऐसे nouns में ending in y जो y से end हो रहा है इससे end हो रहा है y से end हो रहा है if y has a vowel before it अगर उसके पहले वॉवेल हो वाई से पहले क्या है वॉवेल हो तभी अपन एस लगाएंगे अगर वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो
तो मैंने उसके ऊपर वाले रूल में बताया था वाई को हटाकर आई एस बनेंगे, लेकिन ये रूल कब है, जब लास्ट में वाई हो और उससे पहले क्या होना चाहिए, वॉवेल, क्या होना चाहिए, वॉवेल, तभी एस लगेंगे, क्या लगेंगे, एस, जैसे डे बी ए वाई डे, लास्ट में वाई आ रहा है उससे पहले वॉवेल है तो अपन क्या लगेंगे, एस, मंकी, लास्ट में वाई आ रहा है उससे पहले ई वॉवेल है, ई भी वॉवेल है ना, तो इसके एंड में क्या लगेंगे, प्लूरल्स बनेंगे मंकी। अब आगे के जो भी हम हैं वो नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे, और आपको इन सबको जो भी मैंने आज चार रूल्स बताए हाउ टू मेक प्लूरल्स और नोटबुक में नोट डाउन करने हैं और इसको प्रैक्टिस करने घर पे। ओके, थैंक यू।